नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिडब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मैं औरंगाबाद क्लास से बोल रही हूँ। और मिडब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो, मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिडब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ही कोर्स अच्छा है और मेरे जीवन में योगेश सर के जरिए से वो मसीहा आया है, फरिश्ता आया है और उस फरिश्ते को सभी पेरेंट्स की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सर। चार बातें, छोटी सी चार बातें। पहली चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? जो पैसा मिले अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी आप करेंगे। ये करियर के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि कई बार व्यक्ति पे दबाव पड़ता है, वो काम करता है जिससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जब दबाव बढ़ता है तो प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा चीज, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपकी इंप्रूवमेंट, बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या उसको करने से आपकी बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है? स्टेप टू। क्या आपकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट, लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है? स्टेप टू। अगर ये दोनों का आंसर यस है तो तीसरे स्टेप पे चलिए। और तीसरा स्टेप है, जो करियर आप लेने वाले हैं क्या उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये स्टेप थ्री। तो चौथा, क्या उस काम को करने के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये पैसा आखिरी में है। अगर ये तीन स्टेप में हां है और चौथे में पैसा मिलना पॉसिबल है तो इतना पैसा मिलेगा, जिंदगी में गिनने में थक जाओगे, इतना पैसा मिलेगा गिन नहीं पाओगे।